आपने पूछा है अनटचेबिलिटी का कारण कौन है। ध्यान से सुनिए और ध्यान से सोचिए, बल्कि सुनने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे साथ आप इस चीज को सोचिए, थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करिए कि अनटचेबिलिटी का कारण कौन है, कौन हो सकता है अनटचेबिलिटी का कारण। हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं, मैं और अनिल जब भी बैठते हैं तो जब पढ़ाई को लेकर के अनिल परेशान होता है तो उसको लगता है कि वो एग्ज़ाम में फेल हो गया, उसके नंबर कम आए, तो मैं उसको यही कहता हूँ, बोलता है मैंने पढ़ाई नहीं की ठीक से, या मेरे इस वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। तो मैं उससे पूछता हूँ कि अनिल ये जो ख़राब काम हुआ उसका कारण खोज करके कहीं हम पहुँच नहीं रहे, इसलिए चलो इसको पूछते हैं हम लोग अपने आप से कि इसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है। अगर मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, किसी भी कारण से नंबर नहीं अच्छे आए, तो कम से कम मैं अपने आप से ये तो पूछ सकता हूँ कि अच्छे नंबर आने के कारण कौन कौन से होंगे भविष्य में, फिर उसी हिसाब से हम काम करें। अनटचेबिलिटी एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस चीज़ क्रिएट हो गई है जो कि किसी ने कॉन्शियसली नहीं किया है, क्योंकि जो भी समाज, जो भी लोग कॉन्शियस होंगे वो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे डिविजन करने का। जैसे कि आप जनों का बेसिक कोर्स में देख रहे हैं, बुद्ध ने भी इसको अभी भी क्लियर किया कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो या तो हम उसको डिवाइड करके देख सकते हैं या तो हम एक यूनिटी में देख सकते हैं। और जब हम डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा माइंड चीज़ों को सेग्रीगेट करता है, इसको एक ग्रुप में रखेगा, उसको दूसरे ग्रुप में रखेगा, और उसके बाद जिस ग्रुप के साथ हमारा माइंड अपने आप को आइडेंटिफाई करता है वो ऑटोमेटिकली उसको सुपीरियर मान लेता है। तो अगर मैं गोरा हूँ तो मैं गोरों को एक तरफ डिवाइड करूँगा, कालों को एक तरफ डिवाइड करूँगा, और अपने आप को, चूँकि मैं गोरा हूँ इसलिए गोरे लोग बेहतर हैं। मैं अगर काला हूँ तो मैं कालों को डिवाइड करूँगा और मैं अपने आप को बेटर मानूंगा और किसी न किसी वजह से अपने आप को लोगों के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करूँगा। ये समाज का रूल है, लेकिन ये इसकी वजह से क्योंकि हम दुनिया को डिवाइडेड फॉर्म में देखते हैं। डॉक्टर्स का ग्रुप है, बिजनेसमैन का ग्रुप है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, तो ये जो ग्रुप्स होते हैं जिसको हम देखते हैं वो लिमिटेड विजन है हमारा। बट इसको जान के हम क्या कर सकते हैं? लिमिटेड विजन की वजह से दुनिया में कास्ट सिस्टम है, अनटचेबिलिटी है, इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं? जो इस तरह की चीज़ें ख़त्म होती हैं समाज में वो ग्रॉस लेवल पे ख़त्म नहीं होती हैं, ये इंडिविजुअल लेवल पे ख़त्म होती हैं। अब मैं मान लीजिए मैं कास्ट से ब्राह्मण हूँ और मैं इसको बहुत ही प्योरिटन तरीके से मानूं और मैं अपने घर के हर बच्चे को ब्राह्मण से ही शादी कराऊं और ब्राह्मण में ही मैं वो उसके बाहर कुछ नहीं करूं और हर चीज़ जो ब्राह्मण समाज में माना जाता है वो सब कुछ मानूं, अनटचेबिलिटी को ब्राह्मण समाज कैसे डील करता है वो सब मानता रहूं, तो फिर मैं इंडिविजुअली इस बेवकूफ़ी को, इस इग्नोरेंस को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाऊंगा। तो इंडिविजुअली अगर मैं फ्री हो गया, अगर मुझे ये आइडिया बेवकूफ़ी का लगता है अनटचेबिलिटी, तब ख़त्म हो गया अनटचेबिलिटी, ख़त्म मेरी लाइफ में से और मेरे परिवार की लाइफ में से। होपफुली अगर मैं अपने परिवार के साथ रहा और मेरा परिवार मुझसे कनेक्टेड रहा तो ख़त्म। इस तरह से इंडिविजुअल स्प्राउट्स आते हैं क्लैरिटी के, विजडम के, और जब ये विजडम एक क्रिटिकल लेवल पे पहुंचता है तो चीज़ें बदल जाती हैं। ये एवोल्यूशन का पार्ट है, लेकिन उसको ख़त्म करने की जिम्मेदारी हमारी है, और वो भी इंडिविजुअल लेवल पे, अकेले लेवल पे, ग्रुप पे नहीं। मत सोचिएगा कि मैं इकट्ठा होकर ग्रुप बनाकर चलूं दुनिया में जिंदाबाद मुर्दाबाद करूं। खाली पॉलिटिक्स होता है वो, कोई फ्रीडम या कोई लिबरेशन नहीं है, वो किसी विजडम का नेचर नहीं। ग्रुप के पास कोई विजडम नहीं होता, विजडम हमेशा इंडिविजुअल होता है। थैंक यू दोस्तों। दो नए कोर्सेज हम लोग ला रहे हैं, एक स्पिरिचुअल है और एक बिजनेस का है। अब बिजनेस में हमारे पास टोटल दो कोर्सेज हो जाएंगे, एक WPX जो कि ऑलरेडी हम रन कर चुके हैं और कर रहे हैं ऑलरेडी, दूसरा है जो हम अभी चालू करने वाले हैं, बहुत जल्दी ही उसके वीडियोस आने वाले हैं, उसका नाम है बैप, बिजनेस ऑफ एप्स। ये किस तरह से, ये ऐप्स की जो दुनिया है, आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है? अगर आपने कभी भी इमेजिन किया हो अपना खुद का ऐप बनाने के लिए या इस तरह से किसी कंपनी में काम करने के लिए, तो ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। आप किसी भी सेक्टर में हैं, ऐप्स आर गोइंग टू डोमिनेट इन एवरी सेक्टर, हर सेक्टर में अपना इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप बिज़नेस की दुनिया में अपना ऐप क्रिएट करना चाहते हैं, उस बिज़नेस में जाना चाहते हैं, तो ये बैप नाम का जो कोर्स है वो ज़रूर ज्वाइन करिए। और एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर कोर्स ला रहे हैं, जिसमें कि रिम्पी मैम ने सारी की सारी ढेर सारी जो स्टोरीज़ है पास्ट लाइफ की, किस तरह से आप पास्ट लाइफ में जाते हैं फिर वापस आते हैं, डॉक्टर ब्रायन वीस की बुक के ऊपर बेस्ड बनाया है, बहुत ही खूबसूरत है। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन इट। डिटेल्स जानने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक यू। जो कोर्सेज हैं अभी उनके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। सबसे पहले तो ज़िनोगा बेसिक कोर्स है, जो कि स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत
दूर लेके जाएंगी, 2 साल का कोर्स है। उसके बाद है SPMT। अगर आप ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझना चाहते हैं तो SPMT इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कोर्स। थर्ड इज़ WPX। जो लोग भी स्टार्टअप कर रहे हैं, बिजनेसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, पहले WPX ज्वाइन करिए, पहले बिजनेस के तरीके सीखिए, उसके बाद अपना पहला पैसा मार्केट में लगाइएगा। चौथा है अवेयरनेस का, रिलेशनशिप का कोर्स, जिसमें कि आप अपनी माइंड को और अवेयर कैसे कर सकते हैं, पावर ऑफ नाउ के ऊपर बेस्ड है, ये फोर्थ कोर्स है। और फिफ्थ कोर्स अभी चल रहा है हम लोगों का, उसका नाम है BDM, बेस्ट डिसीजन मेकिंग कोर्स, जो कि टनल कनामन की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और इस तरह की कुछ और बुक्स हैं उनके ऊपर बेस्ड है। ये सारे के सारे कोर्सेज आप अपने आप सीखते हैं, अपनी पेस से सीखते हैं, इसमें कोई और बंदा जबरदस्ती आपके साथ नहीं करता है। इन वीडियोस को आप जो आपके पास मिलेंगे ये हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आपसे छीन लिया जाएगा। आप इत्मीनान से धीरे धीरे पढ़ते रहें और अपने आप को इंटेलिजेंट बनाते रहें। थैंक यू सो मच। हर वीडियो को देखिए और अगर उसको पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट फिर से मैं आपको अनाउंसमेंट दे दूँ कि हम लोग जो स्टडी सेंटर बना रहे हैं वो ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है, और आप लोगों के फंड की ही मदद से, आपके डोनेशन की मदद से ही हमने यहाँ तक उसको कंप्लीट किया है। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप चाहते हैं कि यहाँ पर आकर के हमारे साथ मिलें, हमारे साथ रहें, तो कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन दें। ये कंट्रीब्यूशन आप मुझे नहीं दे रहे हैं, ये कंट्रीब्यूशन आप स्पिरिचुअल नॉलेज को ज़िंदा रखने के लिए, एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए दे रहे हैं, तो आपकी मदद से ये पॉसिबल हो पाएगा। मैं भी अपनी जो कंट्रीब्यूशन है, मैं जॉब करता हूँ उसमें से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करता हूँ, आप भी करिए। थैंक यू सो मच।